दोस्तों, मून किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले। छोले सभी बनाते हैं, पर सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। छोले बनाना बहुत इजी है, पर हम क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होने से सबके टेस्ट को ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो दिखाते हैं आपको छोले में। और इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए अब हम बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो सबसे पहले हमने एक पाव छोले को चुन लिया था, अच्छे से धो के और रात भर पानी में भिगा के और इसको 3 से 4 सीटी उबाल लिया है। कुकर में हमने नमक डाल के थोड़ा सा इसको उबाला है। आलू हमने लिया है, 2-3-4 आलू है, उसको हमने उबाल के छील के रख लिया है। टमाटर प्यूरी हमने ताजे टमाटर को प्यूरी रस निकलवा के किस के इसकी प्यूरी बनवा ली है। एक प्याज को, बड़ा प्याज था उसको हमने बारीक बारीक कटा लिया है, प्याज को हम पीसते नहीं है। और ये है धनिया, हरी धनिया, इसको हम बाद में डालेंगे। गरम मसाला है जिसको हम छोले में डालेंगे। जीरा बघार में डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैं पीस के हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ, फ्रीजर से बाहर नहीं रखती इसको। और इसका वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है। ये थोड़ा सा ये खड़ा गरम मसाला है, इलायची एक है, 3-4 लौंग है और 3-4 काली मिर्च है और 2 पत्ता ये तेज पत्ता है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और नमक टू द टेस्ट होगा, टेस्ट के अनुसार टेस्ट करके हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा जीरा हम बघार में डालेंगे। चलिए अब हम आपको बना के बताते हैं। अपनी सुविधा के लिए वीडियो लंबा ना हो करके हमने इस उबाल के दोनों को रख लिया है। गर्म होने के लिए तेल हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, केवल 2 चम्मच। सारे मसालों को हम पानी में भिगा देंगे ताकि और अच्छा टेस्ट, ताज़ा मसाला जैसे ही लगे। ये 1 चम्मच ही है, इसको हम सब डाल देते हैं। 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर, उसको भी हम सब डाल देते हैं। धनिया पाउडर 3 चम्मच है, इसको हम डाल दिए थे, 2 चम्मच डाले एक रख लिए हैं। गरम मसाला भी 1/2 चम्मच है, इसको भी हम पूरा डाल देते हैं। अब हम इसको पानी में डाल के गला देंगे, थोड़ी देर इसको भीगते रहेगा ये। अब इसमें मैं खड़ा मसाला डालूंगी, खड़ा स्पाइस जो है, फिर इसको डाल तेज पत्ता डालूंगी। थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच जीरा, जिंजर। आपको क्योंकि हींग से क्या है, पचने में बरसात का सीजन है तो छोले भी हैवी होता है, तो हींग डालने से पेट को मतलब पाचन शक्ति अच्छी रहती है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 ही चम्मच। अब थोड़ा सा शक्कर हम डालेंगे ताकि मसाला का कलर अच्छा आए और भुन जाए अच्छे से। डालेंगे नमक, डाल दिए हैं, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। नमक और शक्कर डालने से बहुत जल्दी ये लाल होता है, भुन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, कलर बहुत सुंदर आता है सब्जियों का। इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और शुगर ज़रूर डालती हूँ, रस वाली ग्रेवी वाली सब्जी कोई भी बनाती हूँ उसमें। इसमें डालूंगी जो मसाले को भिगा के रखी थी वो डालूंगी मैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया मेरा प्याज, लाल हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी जो गलास मसाला रखी थी, जैसे तेल निकलते तक भूनना है इसको। अब तो तेल निकल रहा है, अब हम लीड लगा देंगे, लीड लगा के ताकि इसकी खुशबू भी ज़्यादा मत इधर उधर। तेल छोड़ दिया है मतलब मसाला मेरा भून रहा है, अच्छे से भून गया है। डाल दी, इसको ढक दूंगी, तेल लगा दूंगी, रखती हूँ इसको, डाल दूंगी ताकि इसके रस में, ग्रेवी में इसका जो है टेस्ट आ जाए, भुनने का टेस्ट जो है, धनिया का भी टेस्ट इसकी ग्रेवी में आ जाए। तेल छोड़ते तक एकदम भुन गया मेरा ये। ऐसे में 1 चम्मच घी डालूंगी क्योंकि मैं हर ग्रेवी में घी डालती हूँ।
जैसा कि मैं ग्रेवी इस तरह की ग्रेवी बनाती हूँ, इसमें घी का टेस्ट जो है भूनते में, इससे घी से भी भून जाए तो बहुत अच्छा लगे। घी छोड़ने लगा मेरा ये मसाला, अब मैं इसमें थोड़ा और थोड़ी देर इसको पकाऊंगा। एक कप पानी मैंने डाला है इसमें और थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे। पानी डालने से पक गया है ये, और अब हम डाल देंगे इसमें आलू और ये चना। और टेस्ट करें हैं, थोड़ा सा हमें नमक कम लगा है तो अब हम इसमें इतना नमक डालेंगे। नमक कम है तो नमक डालेंगे। रेडी हो गया है, अब मैं इसको आँच को बंद करके और छोले आपको दिखाती हूँ। आप अपने अनुसार रख सकते हैं, हम लोग थोड़ा ग्रेवी वाला खाते हैं तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखती हूँ, नहीं तो आप इससे कम भी ग्रेवी रख सकती हैं। गार्निश कर रही हूँ और मेरा ये छोले बनके तैयार। मेरा छोले बनके एकदम रेडी है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा छोले बना है। अब आप बनाइए, खाइए और मोज किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ईजी है छोले बनाना, और आप मेरे टेस्ट के अनुसार भी आप एक बार छोले अवश्य बनाइए और मेरे को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।